हेलो नमस्ते, कैसे हो सबके सब। अबे पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे फोन में घुस के हाल बताएंगे वो अपना। तू शांत बैठ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस बॉलीवुड वीकेंड मसाला में। और आज हमारे साथ हैं बिहार से पप्पू भैया। तो इस सीरीज में हम बॉलीवुड की वीकेंड न्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। भैया कवर मतलब हम समझे नहीं, मतलब अंडर कवर या वो कॉपी पे चढ़ाने वाला कवर होता है वो, उसकी बात कर रहे हो? तो इसको इग्नोर करके शुरू करते हैं आज का सिलसिला। तो पहली न्यूज़ है शाहरुख खान की। शाहरुख खान ने अपनी न्यू मूवी जवान के लिए तमिल भाषा सीखी है, जो कि काफी इम्प्रेसिव है। आज भैया तुम भी कुछ सीख लेते हैं तो लोग तुमसे भी तो इम्प्रेस होते हैं। हर दिन ऐसा नहीं आता कि कोई बॉलीवुड स्टार कोई मूवी के लिए नई भाषा सीखे। हो सकता है शाहरुख खान की ये कोशिश उनके फैंस को काफी पसंद आए। और अगर फिल्म मेकर्स का इस मूवी को इंटरनेशनल मार्केट में उतारने का इरादा है तो शाहरुख खान का तमिल भाषा का सीखना बहुत ही अच्छी बात है। ये भाषा के भेदभाव को खत्म कर देगा। वैसे ये काफी हिम्मत की बात है और हो सकता है कि इस मूवी के बाद नए एक्टर्स अपनी न्यू मूवी के लिए नई नई भाषा सीखे। काश भैया आप भी इतने टैलेंटेड होते तो आपने एक पिक्चर बना लेते। तू ज्यादा नहीं बोलता है? खैर इसको इग्नोर करो, जैसे हम लोग आपको करते हैं। अब बात करते हैं अपनी अगली न्यूज की। अगली न्यूज ये है कि बॉक्स ऑफिस में 11 अगस्त को दो बड़ी मूवीज रिलीज होने वाली हैं, एक गदर 2 और दूसरी एनिमल। भैया 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 भैया, हम गदर मूवी के बहुत बड़े फैन हैं। डायलॉग बोल के देखा है? ये डायलॉग आधे गा दिया, जिस पर पड़ता है ना वो उठता नहीं, उठ जाता है। क्या बात है भाई, एक लाइक तो बनता है इस बात पे। वैसे गदर 2 के मेकर्स को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि 11 तारीख को एक और मूवी रिलीज हो रही है जो उन्हें कंपटीशन दे सकती है। वो अपनी मूवी गदर 2 को लेके बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। वैसे 11 अगस्त को यूएस में नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे भी मनाया जाता है, कहीं ये मेकर्स इस मूवी को इंटरनेशनली रिलीज करने का तो नहीं सोच रहे हैं। वैसे सोचने वाली बात है, क्या गदर मूवी सेम डे एनिमल को कम्पीट कर पाएगी या नहीं? तो पप्पू भैया आप बताइए, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये डायलॉग आधे गा दिया, ये जिस मूवी पे पड़ेगी ना वो मूवी उठेगी नहीं, उठ जाएगी। क्या बात है, ये हुई ना गदर के फैंस वाली बात। तो अब बात करते हैं अपनी अगली न्यूज की। अगली न्यूज है रणवीर कपूर की। रणवीर कपूर ने अपने फैंस को खुशियों से भर दिया है, घंटा खुशी से भर दिए। हमारी क्रश आलिया से ब्याह करके हमारे दिल में जो पत्थर मारे हैं, तुम कदम खुशी बता रहे? अबे आलिया की बात नहीं हो रही है यहाँ। हाँ फिर ठीक है। तो गुड न्यूज ये है कि रणवीर की मूवी ये जवानी है दीवानी का सेकंड पार्ट, ये जवानी है दीवानी 2, जल्दी ही हम सबको देखने को मिलने वाला है। 10 साल के इंतजार के बाद ये मूवी का सेकंड पार्ट अब हमारे सामने आने वाला है। इसमें क्या कुछ होगा वो तो हमको नहीं पता, बट कहा जा रहा है कि अपने पहले वाले पार्ट से काफी अलग और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब बात इस मूवी की हो रही है तो डायरेक्टर अयान मुखर्जी को हम कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने ब्रह्मास्त्र के साथ साथ ये जवानी है दीवानी 2 दोनों को साथ साथ संभाला है। जैसे तुम दो दो गर्लफ्रेंड एक साथ संभालते हो। चुप। तो अगली न्यूज निकल के आ रही है न्यू रिलीज मूवी केरला स्टोरी पर। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में 56 करोड़ रुपए कलेक्ट कर लिए केवल 5 दिनों में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ये एक थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको थिएटर में सीट पे बैठने में मजबूर कर देंगे। फिल्म के एक्टर्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि आप उनको देखने के लिए थिएटर में वापस जरूर जाएंगे। दुआ करेंगे भगवान से कि किसी दिन आप भी ऐसी परफॉर्मेंस दे पाओ। पहली बात तो वो परफॉर्मेंस होता है आया बड़ा। खैर बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी तरीके से की गई है
कि अगर आप थिएटर में बैठ के इसे देखोगे तो आपको फील आएगा कि आप भी इस मूवी के अंदर इन्वॉल्व हो। तो अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी जाए थिएटर में इस मूवी को जरूर देखें। हाँ, टिकट के पैसे तुम्हारी अम्मा देगी। तो अगली न्यूज फिर से आ रही है किंग खान की, यानी शाहरुख खान की। तो न्यूज ये आ रही है कि वो अपनी जवान मूवी को 7 तारीख को रिलीज कर रहे हैं। 7 तारीख को रिलीज करने के कई सारे रीजन हैं और उसमें से सबसे बड़ा रीजन ये है कि 7 तारीख को शाहरुख खान का बर्थडे है, तो वो अपने बर्थडे वाले दिन अपनी मूवी के रूप में अपने फैंस को एक गिफ्ट देना चाहते हैं। भैया हमारा बर्थडे भी आज, हमको गा दोगे आप? तेरी तो मैं नेक्स्ट वीडियो से एंट्री बंद करूंगा। शाहरुख की नई मूवी को उनके बर्थडे वाले दिन रिलीज करके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बढ़ सकता है, क्योंकि उनके फैन उनकी नई मूवी और उनके बर्थडे के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने बर्थडे वाले दिन अपनी मूवी को रिलीज करे तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस मूवी को देखने थिएटर में पहुंचे। तो ये था हमारा आज का बॉलीवुड वीकेंड मसाला। अब मिलेंगे हम अगले हफ्ते नए मसाले के साथ, और तुझे तो मैं अगली वीडियो में बिल्कुल भी नहीं लेके आऊंगा। हमने क्या किया? तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।